हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन द ऑनलाइन क्लासेज ऑफ एमडीएम स्कूल क्लाइथ। एज यू नो, वी आर ऑन फर्स्ट लेसन ऑफ ज्योग्राफी ऑफ टेंथ क्लास। आज हम टेंथ क्लास का फर्स्ट लेसन ज्योग्राफी का यानी भूगोल में मृदा संसाधन के विषय में पढ़ेंगे। आइए विस्तार से पढ़ें। मृदा संसाधन, मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। यह पौधों के विकास का माध्यम है। कौन? मिट्टी यानी मृदा, जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। मृदा एक जीवन तंत्र है। कुछ सेंटीमीटर गहरे मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। मृदा बनने की प्रक्रिया में उचावच, जनक सेल अथवा संस्तर सेल, जलवायु, वनस्पति और अन्य जैव पदार्थ और समय मुख्य कारक है। प्रकृति के अनेक तत्वों जैसे तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, पवन, हिमनदी और अपघटन क्रियाएं आदि मृदा बनने की प्रक्रिया में योगदान देती हैं। यानी मिट्टी बनने की प्रक्रिया में मृदा में होने वाले रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण हैं। मृदा जैव, ह्यूमस और जैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है। मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्वों, उनके रंग, गहराई, गठन, आयु व रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदाओं को निम्नलिखित प्रकार से बांटा जा सकता है। आइए हम मृदाओं का वर्गीकरण के विषय में विस्तार से पढ़ेंगे। भारत में अनेक प्रकार के ऊंचावच, भू आकृतियाँ, जलवायु और वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इस कारण अनेक प्रकार की मृदाएँ विकसित हुई हैं। हम सबसे पहले पढ़ेंगे जलोढ़ मृदा के विषय में। जलोढ़ मृदा, यह मृदा विस्तृत रूप से फैली हुई है और यह देश की महत्वपूर्ण यानी उपजाऊ मिट्टी है। वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। यह मृदाएं हिमालय की तीन महत्वपूर्ण नदी तंत्रों से यानी सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। एक संकरे गलियारे के द्वारा ये मृदाएं राजस्थान और गुजरात तक फैली हैं। पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टे भी जलोढ़ मृदा से बने हैं, क्योंकि ये नदियाँ क्या है, अपने साथ अवसाद पानी के साथ क्या है, अवसाद बहाकर लाती हैं। और क्या है, जहाँ पानी का बहाव कम हो जाता है उस अवसाद को वो वहीं छोड़ देती हैं। इसलिए क्या है, ये नदियाँ अपने साथ क्या है, उपजाऊ मिट्टी को बहाकर साथ लाती हैं। जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृतिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी में ऊपर की ओर जाते हैं, मृदा के कणों का आकार बढ़ता चला जाता है और नदी घाटी के ऊपरी भाग में जैसे ढलान भाग के समीप मोटे कण वाली मृदाएं पाई जाती हैं। ऐसी मृदाएं पर्वतों की तलहटी से बने मैदानों जैसे द्वार, चौ, अक्षेत्र और तराई में आमतौर पर पाई जाती है। कणों के आकार या घटकों के अलावा मृदाओं की पहचान उनकी आयु से भी होती है। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदाएं दो प्रकार की हैं, पुराना जलोढ़ यानी बांगर और नया जलोढ़ खादर। बांगर मृदा में कंकर ग्रंथियों की मात्रा ज़्यादा होती है और खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना में ज़्यादा महीन कण पाए जाते हैं। कहने का अर्थ है, जो पुरानी जलोढ़ है उसमें ज़्यादा मात्रा में कंकर पाए जाते हैं और जो नई मृदा है यानी कि खादर, तो उसमें क्या है, वही छोटे छोटे मिट्टी के कण पाए जाते हैं। जलोढ़ मृदाएं बहुत उपजाऊ होती हैं। अधिकतर जलोढ़ मृदाएं में पोटास, फॉस्फोरस और चूनायुक्त होती है, जो इनको गन्ने, चावल, गेहूं और अन्य अनाजों और दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाती है।
दलहन यानी जो दालों की फसल। अधिक उपजाऊपन के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है और यहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक है। सूखे क्षेत्रों की मृदाएं अधिक क्षारीय होती हैं। इन मृदाओं का सही उपचार और सिंचाई करके इनकी पैदावार बढ़ाई जा सकती है। अब हम पढ़ेंगे काली मृदा यानी काली मिट्टी। इन मृदाओं का रंग काला है और इन्हें रेगर मृदाएं भी कहा जाता है। काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है और काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। किसको? काली मिट्टी को। यह माना जाता है कि जलवायु और जनक शैलों ने काली मृदा बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस प्रकार की मृदाएं दक्कन पठार यानी बेसाल्ट क्षेत्र के उत्तर पश्चिम भागों में पाई जाती है और लावा जनक शैलों से बनी है। कौन सी? काली मिट्टी। जब क्या है? जब मैग्मा धरती से बाहर निकलता है और लावा के रूप में जब वो बाहर निकलता है और तो उसके कारण क्या है, ये मिट्टी क्या है, उसके कारण लावा के कारण ये बाहर निकलता है और ठंडा होने के कारण क्या है, ये काली मिट्टी में परिवर्तित हो जाता है और लावा जनक शैलों से बनी है। ये मृदाएं महाराष्ट्र कहाँ पाई जाती है? काली मिट्टी महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती है और दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी, कृष्णा नदियों की घाटियों तक फैली है। काली मृदा बहुत मीन कणों यानी छोटे छोटे कणों अर्थात मृतिका से बनी है। इसकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत होती है। इसके अलावा ये मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती है, परंतु इनमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है। गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती हैं, यानी कि दरारें फट जाती हैं। किसके अंदर? मिट्टी के अंदर। ये जो चित्र के अंदर दिखा रखी है, इसमें देखो जो मिट्टी के अंदर क्या है, जो दरारें फटी हुई हैं, जिससे इनमें अच्छी तरह वायु मिश्रण हो जाता है। गीली होने पर ये मृदाएं चिपचिपी हो जाती हैं और इनको जोतना मुश्किल होता है, इसलिए इसकी जुताई मानसून प्रारंभ होने की पहली बौछार से ही शुरू कर दी जाती। कहने का अर्थ है भी बारिश शुरू होने के बाद क्या है, इसकी जुताई शुरू कर दी जाती है और क्योंकि बारिश होने से इस मिट्टी की जुताई आसानी से हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे लाल और पीली मृदा। लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिण हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। लाल और पीली मृदाएँ और कहाँ पाई जाती है? ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा के मैदान, दक्षिण छोर पर और पश्चिमी घाट में पहाड़ी पद पर पाई जाती है। इन मृदाओं की लाल रंग रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लोहे धातु के प्रसार के कारण होता है। इनका पीला रंग इनमें जलयोजन के कारण होता है। अब हम पढ़ेंगे लेटराइट मृदा। लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है, जिसका अर्थ है ईंट। लेटराइट मृदा उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा मतलब जहाँ अधिक बारिश होती है उन वाले क्षेत्रों में विकसित होती है, यानी कि लेटराइट मृदा पाई जाती है। ये भारी वर्षा से अत्यधिक निक्सालन का परिणाम है। इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है क्योंकि अत्यधिक तापमान के कारण जैविक पदार्थों को अपघटित करने वाले बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। लेटराइट मृदा पर अधिक मात्रा में खाद और रासायनिक उर्वरक डालकर ही खेती की जा सकती है। ये मृदाएं मुख्य तौर पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और ओडिशा तथा असम के पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। मृदा संरक्षण की उचित तकनीकी अपनाकर इन मृदाओं पर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में
चाय और कॉफ़ी उगाई जाती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लेटराइट मृदाएं काजू की फसल के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और जो मैंने ये मिट्टी के विषय में जो टॉपिक पढ़ाया है आप इसको अच्छे से रीड करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।